और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सांगानेर पहुंच रहे हैं, लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोने-कोने से आए हुए सांगानेर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के निष्ठावान साथियों अल्प समय में आए हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ये आपकी आवाज के सुनने के लिए, आपके दर्शनों को दीदार करने के लिए गहलोत की आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं सांगानेर, जहां पे सीएम अशोक गहलोत का स्वागत किया जा रहा है। गाड़ी से जैसे ही सीएम अशोक गहलोत उतरे तो कार्यकर्ता और कांग्रेस के प्रत्याशी उनको रिसीव करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत लगातार दौरे कर रहे हैं और सांगानेर में वक्त भी आप देखिए 9 बज चुके हैं और सीएम अशोक गहलोत अभी भी लगातार दौरे कर रहे हैं। और ये बताता है कि सीएम अशोक गहलोत की किस तरह से इन दौरों को लेकर, अपने चुनाव को लेकर कितने सख्त नजर आ रहे हैं। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। राहुल गांधी जी ने छूट समझ के इस क्षेत्र के मतदाताओं के विश्वास के आधार पर इनको दूसरी बार चुनाव मैदान में उतारा। आह्वान करना चाहूंगा बुजुर्ग भारतवार नौजवान है, निष्ठावान है, समर्पित है, प्रतिबद्ध है, इनको आपका आशीर्वाद मिलता है। तो आपने देखा है पिछली बार चुनाव में कामयाब नहीं हो पाए, उसके बावजूद 5 साल तक लगातार सेवा देखा है। चुनाव हारने के बाद में लोग घर बैठे मोबाइल लेके आता है, जाते नहीं जनता के बीच, बहुत कम लोग जाते हैं। ये जैसे कोई विधायक बन गए हों उस रूप में प्रयास किए काम करने के। इसका मतलब हमने कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे क्षेत्र बीजेपी के MLA का था तब भी हमने भेदभाव नहीं किया। हमने कॉलेज खोले और चाहे जो मांगे की गई थी मुझसे मैंने कभी मना नहीं किया, बल्कि मैंने कह रखा था विधायकों को तुम मांगते मांग थक जाओगे। तो अब जो बिना विधायक बने हुए इनकी मांगे पूरी करी, तो आप मान के चलो इस बार आप इनको कामयाब करो। आप देखेंगे कि आप लोग जो इनसे मांगे करेंगे और ये मुझसे कहेंगे या सरकार से कहेंगे कोई काम बाकी नहीं रहेगा, पूरे काम हो गया। दूसरा जो है 98 के अंदर इंदिरा मायानी जीती थी लास्ट टाइम, उसके बाद हम कामयाब नहीं हो पाए 98 के बाद। और 98 में जब इंदिरा मायानी जी का आपने आशीर्वाद दिया, कामयाब दिया, उस पर छीटा आई थी 156 छीटा आई थी लास्ट टाइम, वो आगे मैंने इस बार दिया है क्योंकि मुझे लगता है सागर सी जीत रहे हम लोग। जीतने का मतलब है 156। आपसे मैं अपील करूंगा, थोड़ा शांति रहो, अपील करूंगा मैं आपसे, बहुत उत्साह आपके अंदर है, लगता है कि जीत पक्की है। काम करने में सरकार ने कमी नहीं रखी, को वोट देता है नहीं देता उसकी मर्जी है, क्योंकि लोकतंत्र है, वोट अंतरात्मा का वोट होता है। तो हम अपने कामों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। विपक्ष जो है वो अपना राजनीतिक धर्म निभा नहीं रहा है, क्योंकि उनको चाहिए कि वो हमारी योजना है उनकी चर्चा करे, उसकी कमियां बताए, आदर्शनी करे। उनको चाहिए कि हमने कानून पास किए हैं किसानों के लिए, जमीन कुड़क नहीं होगी उनकी, न्यूनतम इनकम गारंटी का कानून पास किया, शहरों में नरेगा की तरह इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना लागू की हम लोगों ने, 1 वर्ष का एक एक्ट पास किया जिसकी कि दुनिया भर में चर्चा हो रही है। आजकल जोमेटो और उबेर और जो है ओला वगैरह, उसके बाद में नया एक फौज खड़ी होगी जो कि कुछ सिक्योर नहीं हो, उनका कानून पास करता है।
उनके इतने आर्टिकल आ रहे हैं कि ये कानून राजस्थान वाला देश के हर राज्य में होना चाहिए, दुनिया के मुल्कों में। एक्सप्रेस के अंदर देखा होगा, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल ऑफ एस्टिमेट हुआ, कई लोगों ने लिखा है। तो काम की कमी, राइट टू हेल्थ, हिंदुस्तान में दुनिया में शायद ऐसा नहीं होगा कि स्वास्थ्य के अधिकार कानून आपको मिल गया, 25 लाख का बीमा चलिए मिल गया, कई नहीं देश के अंदर 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं। आज लोगों के कोई कैंसर है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, घुटने बदल रहे हैं, कूल्हे बदल रहे हैं, सारे टेस्ट फ्री, ऑपरेशन फ्री, दवा फ्री, ऐसा कभी। और वो सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आप तो शहर से लगते हैं, लोग समझते भी हैं कि ये स्कीम गरीब अमीर सबके लिए राजस्थान है। बाकी राज्यों में क्या है, केंद्र में 5 लाख का बीमा है आयुष्मान भारत के नाम से, राज्यों में है वो 20% 25% जनता के लिए, कहीं तो सोचो सरकार थी, उसने फूड सिक्योरिटी बनाया था यूके गवर्नमेंट, उनके लिए था। हमने पूरे आम लोगों के लिए, सबके लिए ये चिंजी योजना लागू की। दुर्घटना बीमा अलग है, महंगे रात शिविर में हमने गाड़ी की 100 यूनिट बिजली फ्री करने की, 1 करोड़ लोगों को बिजली का बिल नहीं आ रहा है, 2000 यूनिट बिजली फ्री किसानों के लिए, लाखों किसानों को उसका लाभ मिला। ये हमारे विपक्ष के लोग जो है धार्मिक बातें करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, जो सेवा हम कर रहे हैं वो कोई नहीं करता। पहली सरकार हमारी थी जिसने गौशालाओं को अनुदान देना शुरू किया, पिछली गवर्नमेंट ने, और आपको आश्चर्य होगा विभाग बना लिया गायों का, हिंदुस्तान में कहीं नहीं। पिछली बार ये शुरू किया गया, पिछली गवर्नमेंट बातें बदल गई, नई गवर्नमेंट 500 करोड़ खर्च किए 5 साल में गौशालाओं का अनुदान के। अभी हमने आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी 5 सालों में 3000 करोड़ रुपये गौशालाओं को दिया, लंबी लोग आ गया गाय हमारी। और चलिए बड़ी खबर।